हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय रघु में आपका स्वागत है। एक्चुअली आप देखेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 से आपको 50 तक पूरा कर दूंगा, और उसके बाद मैं सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का सोल्यूशन करूंगा। और दोस्तों मुझे कई बार कमेंट आ चुका है कि सब्जेक्टिव का VBI क्वेश्चन का सोल्यूशन बताएं, तो दोस्तों मैं वो भी बताऊँगा जो कि मैं आपको इस वीडियो के लेक्चर में आपको बता रहा हूँ 41 से लेकर 50 तक में। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ ए टेन टू बी दिया हुआ है, ठीक है। ए टेन इंटू बी दिया है, आच्छादक फंक्शन फलन होगा, ठीक है। आच्छादक फलन होगा यानी कि अनेक मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है इसका। अब आच्छादक का मतलब क्या है वो आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये इसमें देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू बी होगा, ठीक है। किसका मतलब क्या होगा, इमेज होगा, शायद सही होगा। तो इमेज फंक्शन इमेज होगा यानी फंक्शन ऑफ ए जो है ये बी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपको ये फंक्शन ऑफ ए हो गया इक्वल टू बी, आच्छादक फंक्शन के बराबर होगा। तो देखिए अब यहाँ पे कॉस इनवर्स जो है यहाँ पे माइनस में 1/2 दिया हुआ है, माइनस में 1/2 दिया है, का मुख्य मान क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया है, इसका वैल्यू सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये जो दिया है माइनस में दिया है 1/2, तो माइनस में 1/2 दिया है तो ये सोचिए कि कॉस कितना डिग्री का मान होता है माइनस में 1/2, माइनस में 1/2। तो कॉस जो होता है यानी कि 2π/3 का आता है, ठीक है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है, सबसे पहले देख लीजिए। और ये सेकंड में क्या होता है, कॉस निगेटिव होता है, कॉस, ठीक है। कॉस क्या होता है, सेकंड में निगेटिव होता है। तो यहाँ पे कॉस π/ यानी कि π/3 का वैल्यू जो होता है कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, कॉस 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो अगर निगेटिव आया है तो पाई में से घटा दीजिए π/3, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 2π आएगा, तो 2π/3, तो 2π/3 हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे देखिए इसका मैच कौन कर रहा है इसका आंसर, तो इसका आंसर मैच कर रहा है आपका सी नंबर, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा 2π/3, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि टेन इनवर्स में एक्स है और कॉट इनवर्स में एक्स, तो दोनों का बराबर क्या आएगा। तो एक फार्मूला है इनवर्स फंक्शन का जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का है। तो टेन इनवर्स में एक्स रहेगा, कॉट इनवर्स में एक्स रहता है, तो क्या हो जाता है, ये π/2 के बराबर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 नंबर है, ठीक है। 44 नंबर है ये आपका क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ वन है, देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वन है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है, बी है और यहाँ पे सी है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें आपको ए है, बी है और सी है, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इस तरह से दिया हुआ है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप R2 tan into क्या करेगा, तो R2 tan into R2 माइनस में R1 कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे R3 tan into क्या करिएगा कि R3 में से भी R1 घटा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, A1 बनेगा, फिर A बनेगा, ठीक है A, और यहाँ पे क्या होगा तो ए स्क्वायर होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पे ए में से सॉरी बी में से ए गया तो बी माइनस में क्या बनेगा, तो बी माइनस में ए बनेगा, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा। तो यह ऐसे बनेगा, 1 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा कितना, तो ए आएगा यहाँ पे ए स्क्वायर, जैसे का तैसे आ गया। अब फिर यहाँ पे देखिए ये 0 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, इसके जगह पे यहाँ पे b माइनस में a आएगा, ठीक है। अब फिर इसके जगह पे क्या आएगा, तो b प्लस में a, अब b माइनस में a, दो बार लिखेंगे हम, b माइनस में a भी आएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखिए इसके जगह पे क्या आएगा, तो इसके जगह पे आपको आएगा 0, और इसके जगह पे आपको इसके नीचे जस्ट आएगा यानी कि c s माइनस में आएगा कितना, तो a आएगा। फिर यहाँ पे भी करिएगा तो c माइनस में एक बार a लिखिएगा, फिर यहाँ पे c माइनस लिखने के बाद आपको सी प्लस में ए लिखना पड़ेगा, तो इतना लिखिएगा। अब इसमें क्या है कि कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है, कॉमन लीजिएगा। तो यहाँ पे इसमें बी माइनस ए यहाँ भी कॉमन, अब बी माइनस में इसमें से यहाँ पे कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बी माइनस में ए कॉमन हो जाएगा, और फिर यहाँ पे देखिए इसमें से सी माइनस में ए कॉमन हो जाएगा इस सेकेंड रो थर्ड रो में, तो ये सी माइनस में ए भी कॉमन हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए तो आपका ए माइनस बी माइनस में ए या ए माइनस बी भी हो सकता है, तो पहले ए माइनस बी है तो बी माइनस में ए होगा। देखिए ये ऑप्शन क्या होगा,
तो ये सी माइनस में ए, ए माइनस बी, बी माइनस में सी और सी माइनस में ए, तो ऑप्शन यही होगा आपका डी नंबर होगा। ठीक है, तो 44 का हो जाएगा डी नंबर, इसी तरीके से बना लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, आपके स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि ए का वैल्यू इतना दिया है, बी का वैल्यू इतना दिया है, तो ए 2a प्लस में 3b इक्वल टू क्या आएगा, तो 2a यानी कि इसको दोगुना करेंगे, तो दोगुना करते तो हर एलिमेंट के साथ ही गुना होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो ये देखिए कि इसको 4 से यहाँ पे 2 से गुना करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 3 दुना 6 हो जाएगा, 6 दुना 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे देखिए 5 दुना 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे माइनस में 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में जोड़ना है क्या चीज़, इसको 3 से गुना करके जोड़ना है, तो 7 तिया 21 हो जाएगा, और 8 तिया 24 हो जाएगा, और 5 तिया 15 हो जाएगा, और 6 तिया 18 हो जाएगा। इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आप देखिए 6 और 21 कितना आएगा, 27 आएगा, फिर यहाँ पे 12 और 24 को जोड़ें तो 12 तिया 36 यानी कि 36 आएगा, और फिर यहाँ पे 10 15 को जोड़ें तो 25 आएगा। ठीक है, 25, और यहाँ पे देखिए 18 और 8 को जोड़ेंगे तो ये माइनस में 8 आएगा, तो ये प्लस में 10 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको मैच करेगा क्या चीज़, तो आप इसका आंसर देखेंगे 27 36 और 25 10। तो यहाँ पे देखिए 27 36 27 36 25 10, यहाँ 10 तो नहीं है, तो यहाँ पे ये 10 मिल गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 27 36 और 25 10 हो गया, तो ये ऑप्शन हो गया बी। फिर यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स में एस दिया है, इसका डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, तो इसका डिफरेंस होता है माइनस में 1/x है। ठीक है, ये लिखा हुआ है माइनस में 1/x अंडर रूट 1 - x²। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, तो ऑप्शन क्या है, ये सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी है। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है कि टेन इनवर्स में एक्स है, टेन इनवर्स में एक्स और प्लस में कॉट इनवर्स एक्स, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फॉर्मूला होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका ये कांस्टेंट हो जाता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा यानी कि जीरो हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। और फिर यहाँ पे वाई इक्वल टू कॉस लॉग एक्स है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करिएगा, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको ऊपर समझा रहा हूँ, यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स लिखिएगा सबसे पहले, तो इसका डिफरेंशिएशन करिएगा, तो चेन रूल लगा के करिए। ठीक है, अगर हम लॉग एक्स को मान लीजिए यू मान लेते हैं, लॉग एक्स है इसको हम मान लेते हैं टी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, कॉस टी आ जाएगा, आप सबसे पहले इसको करना होगा डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, और फिर यहाँ पे टी को डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे टी को क्या माने हैं, तो लॉग एक्स माने, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 1/x आता है, तो यहाँ पे देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन आएगा, और टी का मान कितना आ जाएगा, टी का मान यहाँ पे लॉग माने हैं, यहाँ देख सकते हैं लॉग माने हैं, तो यहाँ पे लॉग हो जाएगा एक्स। ठीक, और यहाँ पे लॉग एक्स का डिफरेंस करें तो 1/x आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको फिर से समझा दिया कि इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर है बता देता हूँ कि कॉस का डिफरेंस करिएगा तो माइनस में साइन आएगा, और ये साइन क्या है, तो यहाँ पे दिया है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस का डिफरेंस करेंगे तो साइन आएगा, और लॉग के लॉग एक्स है तो लॉग एक्स रहेगा टी के जगह पे, और फिर यहाँ पे लॉग एक्स का डिफरेंस करें तो ये 1/x आएगा, तो नीचे में आ गया, तो ये हो गया ऑप्शन बी। फिर ये आपको 49 क्वेश्चन नंबर है, तो क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है क्या चीज़ कि वाई इक्वल टू एक्स क्यू है। ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स के पावर में 3 है, तो यहाँ पे इसका डबल डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे देखिए डी वाई बट्टा डी एक्स क्यू है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बट्टा डी एक्स निकाल रहे हैं, तो ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, तो 3x² आएगा, और फिर अगर डबल डेरिवेटिव करिएगा, डबल डेरिवेटिव यहाँ पे वाई होगा, कितना आएगा, t²y बट्टा में dx² इक्वल टू, यहाँ पे 3 था पहले, और डिफरेंशिएशन ऑफ dx² / dx। ठीक है, तो यहाँ पे 3 होगा, और ये x² का 2 और x हो जाएगा। ठीक है, x पावर में 1 होगा, और यहाँ पे गुना में है, तो यहाँ पे 3 दुना 6 हो जाएगा, और इंटू में x हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 6x ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 50 नंबर लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि इसका इंटीग्रेशन करना है, x के पावर में 8 है, और इंटीग्रेशन करना है। ठीक है,
एक फॉर्मूला होता है कि अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स पावर एन रहता है उसमें 8 प्लस में 1 हो जाता है, ठीक है। एन प्लस, अगर मान लीजिए एन रहेगा तो एन प्लस में 1 होगा, और बट्टा में क्या होता है जो जोड़ के आ जाएगा ये पूरा चीज़ नीचे में आ जाता है, 8 प्लस में 1 9 जो होगा वो नीचे में आएगा। तो इसका आप प्लस में इंटीग्रल कॉन्स्टेंट के या तो सी भी जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे के में दिया ऑप्शन इसलिए मैं आपको के जोड़ के दिखाया। तो यहाँ पे एक्स पावर कितना आएगा, 9 हो जाएगा, ये ऑप्शन आपको मैच करेगा, एक्स पावर 9 अब बट्टे में 9 अब प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट सी के, तो ये आपको ऑप्शन मैच कर गया डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारा जहाँ 50 तक का सॉल्यूशन। और दोस्तों मैं आपको सब्जेक्टिव का भी वीडियो आप जल्दी ही लाऊंगा, जो कि मैं आपको एक वीडियो में कम से कम 4 को 5 को क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको देखें और दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों, और मैं आपको ये बता दूं कि अगर दोस्तों अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो ज़रूर आप इसको लाइक करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं कहूँगा आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो का बनाने का कुछ अलग सा अंदाज बदल जाए, ठीक है। क्योंकि मैं और मेहनत करूँ आपको इस वीडियो के ऊपर, तो आपको क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। और दोस्तों अपने जूनियर का भी अपना ध्यान दे दें कि आप भी जूनियर को बता दें हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज की वीडियो में इतना।